इस बार ओखला मंडी धोबी का 2022 बकरीद के मार्केट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, जो अभी शुरुआती मार्केट का दिन है, वो बताने आया हूँ। आप देख सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो लोग अभी दूर रहते हैं, जो दूर से आते हैं यहाँ लेने, उनके लिए ये कुछ हेल्प हो इससे, और जो शौक करते हैं अच्छा बकरों का, वो भी यहाँ आ सकते हैं। बकरे आए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बकरे आए हैं यहाँ पर, कुछ देसी है, बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं, ऐसी बात नहीं है। बकरे के मार्केट में इस बार जो जानवर हैं, अभी ये देखिए, शुरुआत में अगर आप आते हैं, जैसे अभी मैं आया हूँ, तो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड बकरे मिल सकते हैं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, साफ़ सुथरी बढ़िया नस्ल के, और बदन हाथ जिसका बढ़िया हो, बना हुआ बकरे का, वो बकरा जो शुरुआत में ही निकल जाता है। देखिए ये बकरा जैसे खाट पे लेटा हुआ है, ये चारों तरफ से बराबर है, और इसकी खूबसूरती क्या बोली जाए, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बकरे जो हैं, मैं सोच रहा हूँ इस बार भी इसी तरह का कोई बकरा लूँ। बहुत ही अच्छा अच्छा बकरा भी है, आप अभी आएंगे तो जो बरबरे हैं, सब बरबरे की खास बात यही है कि ये देखने में बड़ा टाइट होता है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, लंबे पैरों में भी होता है, लेकिन जो बरबरे का बात है, जो छोटी हाइट में पसंद करते हैं जो लोग, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये आगे भी कुछ दुकान लगी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आखिर में पहुँच चुका हूँ धोबी घाट के एकदम लास्ट में, अभी मैं यमुना की तरफ नहीं गया हूँ, यमुना के अंदर जो लगाते हैं सब, अभी तो मैं रोड पर ही हूँ। रोड पर मार्केट असल मानों में यही जो मार्केट है, ये ज़्यादा अच्छी है, रोड पर जो लगती है। यमुना के अंदर भी ठीक है, बट वहाँ पर उस तरह से कोई व्यापारी, इधर के व्यापारी ठीक हैं, रेट अनाप शनाप नहीं बोलते हैं, ठीक ठाक बोल के अपना दे देते हैं। और अभी आप आइए तो अभी आप ले सकते हो, अभी लेने में फ़ायदा है, क्योंकि जो अभी है मार्केट का, इन्हें भी अंदाज़ा नहीं होता जो लेकर आते हैं, ये अपना रेट टू रेट, मतलब कुछ एक प्रॉफिट रख के आपको दे देंगे, लेकिन बाद में क्या होता है कि लक है बाद में, है कि इनको समझ में आ जाता है कि मार्केट में कितना माल आने वाला है, क्या रेट जा रहा है, क्या रेट मिलना है, तो उस हिसाब से फिर अब जान होता है। और ये बरसात का मौसम है, तो इस वजह से थोड़ा सा बाद में दिक्कत आने का ज़्यादा चांसेस है, कम होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि ये बारिश इधर हो सकता है, और अगर हो गया तो फिर बहुत ही दिक्कत है इनको, ये माल फिर यहाँ नहीं रखते, ये माल यहाँ से निकल जाएगा बाहर शेल्टर्स में, इधर उधर चले जाते हैं, जो शेल्टर्स बना के बेचते हैं। बहुत सारी पुरानी दिल्ली में आजकल लोग घर को मकान, खाली मकानों में बकरे डाल देते हैं, 150 किलो के भाव से बेच देते हैं। ये बरसात होने के बाद सारे जानवर किलो के भाव से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी भर जाता है पूरा, यहाँ पे कहाँ रखेंगे जानवर, और लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जानवर मिलेगा नहीं, आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, ये सब माल फिर चला जाता है सब पुरानी दिल्ली, ज़्यादातर जामा मस्जिद, चांदनी चौक के एरिया में, चावड़ी बाज़ार, ये सब के अंदर, तुर्कमान गेट इधर चला जाता है, और सब किलो के 400 450 500 350 जो जैसा जानवर जैसा नस्ल का है, उस हिसाब से किलो के हिसाब से सेट कर दिया जाता है। अब वहाँ से वो सप्लाई हो जाता है किलो का माल, ऑर्डर पे लोग किलो का माल से लेते हैं, कोई किसी को कोई झंझट नहीं, आराम से किलो का माल सब ले आके बेच देते हैं इधर उधर, और पैसे भी आ जाते हैं, जो भी है इनका खर्चा निकल जाता है। यहाँ तो बहुत काफ़ी दिक्कत होगी, बरसात में कितनी देर रखेंगे, बरसात में भींग जाता है जानवर। और बकरे को आप लोग जानते हैं कि बकरे को सब कुछ ठीक है, गर्मी भी ठीक है, लेकिन भींग जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, पानी से बहुत तकलीफ होती है इन लोग तो है। काफ़ी अच्छे अच्छे बकरे हैं, एक बकरा देखिए कितना छोटे कानों का बकरा है, ये काफ़ी खूबसूरत ये देखिए खड़ा हो रहा है, बहुत ही अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसके कान कितने छोटे छोटे, ये जानदार बकरा है, क्रॉस बकरा है, बरबरा से क्रॉस किया हुआ है, लेकिन ये बकरा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत बकरा माशाल्लाह। ये पैर देखिए, आगे के पैर, आगे के पैर देख के समझ में आता है जानवर में कितना दम है,
इसका आगे का पैर ऐसा है कि ये 100 किलो वजन उठा सकता है, मतलब ये 100 किलो तक इसको पाला जा सकता है इस बकरे को। ये लाल वाला बकरा जो है ये ज़बरदस्त, इसके पैर देखिए कितने लंबे, पीछे के पैर लंबे, आगे के थोड़े छोटे, कमर उठा हुआ और पैर की मोटाई आगे की बहुत ज़बरदस्त है, पैर इसके बहुत मजबूत है। यह है कि ये कस गया है तो पोसाई के लिए रखने में थोड़ा इशू आ सकता है, इसलिए ढीला है थोड़ा, ये पोसा जा सकता है। तो हैं बकरे तो काफ़ी आए हुए हैं, बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको जहाँ पे लेके आया हूँ यहाँ पर, ये सब बकरे आप लीजिए आकर, ये सब बकरे जो हैं टाइट बकरे हैं, सब जो लंबे लंबे हो जाते हैं, बहुत सारे लंबे में जब तक वो बदन नहीं लगेगा, जब तक उसका बॉडी फ्रेम भरेगा नहीं तब तक बकरा देखने में, ये सब बरबरा क्रॉस है, कुछ देसी मिक्स है इसमें, ये देसी मिक्स बैठा देखिए, ये देखिए बीच में ये बरबरा और देसी मिक्स है ये दोनों, उसके बाद ये देखिए जो बरबरे हैं ये बरबरा है, इधर देखिए ये है जमुनापरी क्रॉस ओरिजिनल, आप खोजिएगा यहाँ की एकदम प्योर जमुनापरी मिल जाए, प्योर बरबरा मिल जाए तो ये काफ़ी मुश्किल है, इसके लिए आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। देखिए यहाँ एक सौदा हुआ है, कितने का हुआ है मैं बताता हूँ आप, पैंतालीस हजार में मजा आ गया के बाद इन दोनों को 45,000 मत लगा, इन दोनों के वो 70,000 बेच ले भैया, 70,000 के चलो ठीक है भाई, आपके जज्जी आपके हमारे जज्जी। ये आपने देखा ये दो बकरे हैं सामने, सिरोही है और एक मिक्स है, सिरोही मिक्स है, जमुनापरी सिरोही मिक्स है और ये भी जमुनापरी सिरोही मिक्स है, थोड़ा ये मेवाती भी नहीं है असल, टोटली क्रॉस है। इसका 75,000 मांग रहे हैं भाई साहब, 45 दे रहे हैं दोनों का, नहीं दिया इन्होंने 22,500, ठीक है बहुत से बहुत 25,000 का बकरा है या 22,000 कहीं 24,000 रुपया बहुत है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, खूबसूरत भी उतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसके लिए कुछ अलग से कीमत अदा की जाए उसके लिए। खूबसूरती देखिए कुर्बानी में शौक वालों के लिए बहुत मैटर रखता है, भारी बकरा बड़ा बकरा तो हर जगह मिल जाता है, कि बकरे का वो वजन से जब खूबसूरती आ जाती है तो फिर वो वजन तो नहीं जाता है, वो फिर आ जाता है इसके ऊपर कि हाँ भाई कोई अच्छा रेट मिले तो उसको दिया जाए। चलिए इसी तरह मैं आपको और भी अपडेट देता रहूँगा, देखिए मैं उधर यमुना के किनारे आपको व्यू देता हूँ जो कि अंदर की तरफ लगा रखे, वहाँ भी एक वीडियो भी मैं डालूँगा बनाकर, अब जिसको देख पाओगे आज का कितना माल उधर आया है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लिए मैं बनाता हूँ ये वीडियोज़ मैं इसलिए नहीं बनाता कि मैं इसको प्रोफेशनली रन करा सकूँ, मैं इसलिए सिर्फ बनाता हूँ, ये मेरा शौक है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ हमारे ओखला में किस तरह का माल आता है बिकने और ओखला मंडी किस तरह की है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग आए यहाँ अपने बच्चों फैमिली के साथ आते हैं तो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से रहे, मार्केट कैसा है, मार्केट में कितने बकरे आए हैं, इस तरह का जो भी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो आप तक पहुँच रहा है। अभी मैं उधर जाऊँगा, एक का दो का बकरे हैं ये देखिए यहाँ पे, तो फिर ठीक है मैं उधर का एक वीडियो और डालता हूँ अभी बना के आज का। तो आप आज जो है 2 तारीख है, आज से मैं रोज़ एक अपडेट आपको दूंगा, तो आज 2 तारीख का पहला अपडेट है मेरे तरफ से। देखिए क्या होता है मार्केट का रेट, ठीक है आप पसंद करके मुला सकते हैं, बात करिए, थोड़ा टाइम दीजिए,
उसके बाद कुछ ना कुछ निकलेगा, बहुत सस्ता नहीं मिलेगा तो बहुत महंगा भी नहीं मिलेगा। नो रिस्क वाला टाइम है अभी, रिस्क नहीं है अभी, बाद में होता है कि रिस्क दोनों के लिए बन जाता है, कस्टमर्स के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी। तो या तो आप रिस्क लो या फिर अभी लेकर आप जाओ, और अगर आपके पास रखने का इंतज़ाम है तो बेस्ट टाइम है, ले सकते हो आप, साफ़ सुथरा बकरा ले सकते हो, क्योंकि अभी बकरे आए हैं, अभी यहाँ बरसात होगा, बीमारी आएगी, गंदगी होती है, बकरे गंदे हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और अभी जो है साफ़ सुथरा जानवर आप लेकर जा सकते हो, ले आके एक दो दिन आराम करा दो बकरे को। और मैं तो कहूँगा जो भी लोग बकरे लेकर जाते हैं उसको हल्का पानी में हल्का गुड़ डालकर जिस दिन लेकर जाए उस दिन हल्का पिला दें उसे, और उसे पिलाने के बाद उसको छोड़ दें, एक दिन आराम करने दें पूरा, उसके बदन में जितनी भी थकान होती है, घबराहट होती है, सब निकल जाता है, गुड़ का पानी पिला दें अगर पीता है तो, या पानी पिलाकर ही छोड़ दें सिर्फ। और एक दिन के बाद फिर उसको जब वो फ्रेश हो जाए, बदन हाथ का सब उसका तकलीफ है, जो दर्द है, चोट लगता है, ठुकर लगती है, आते हैं बहुत दूर दूर से, खड़े रहते हैं, वो जब वो उनका ठीक हो जाएगा वो खुद ब खुद एकदम फिट हो जाएगा, और फिर दूसरे दिन से खिलाएं। ऐसा अक्सर लोग क्या करते हैं कि लेकर जाते हैं और उसी दिन से खिलाना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से बकरे क्या होते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। और अभी जो लेकर जाते हैं उसके लिए खास बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि अभी लेकर अगर जा रहे हैं तो एक दिन पानी, गुड़ का पानी अगर पीता है तो पिला दें मिलाकर थोड़ा सा, और अगर नहीं एक जग मिला, एक लीटर दो लीटर जितना पी ले हल्का गुड़ मिलाकर घोलकर, और उसके बाद अगर एक दिन के बाद खिलाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तब बकरा सस्टेन कर जाएगा 10 दिन आराम से आपके घर पर। नहीं तो आप जागते के साथ सोचोगे खिलाएं प्यार मोहब्बत में, तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत होती है, इसीलिए लोग लेकर नहीं जाते। लेकिन जिनको जानकारी है वो ले जा सकते हैं, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो बकरे को प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है भाई, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।